पूर्व सरकार की रेगुलराइजेशन पॉलिसी रद्द होने के मामले में हाईकोर्ट के निर्णय से प्रभावित कर्मचारियों का शिष्टमंडल आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करेगा। शिष्टमंडल का नेतृत्व सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष करेंगे। शिष्टमंडल की मुख्यमंत्री से 3 बजे बातचीत होगी। इस मुलाकात पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा 2014 में अधिसूचित नियमितीकरण की नीतियां रद्द होने से प्रभावित लगभग 5,000 कर्मचारियों और उनके परिवारों की निगाहें टिकी हुई हैं। बताया जा रहा है कि मुलाकात से दौरान कर्मचारियों का प्रतिनिधि मंडल सीएम के सामने अपनी समस्याओं को रखेगा। गौरतलब है कि कर्मचारियों ने समस्या का समाधान नहीं होने पर 27 जून को जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दी है। तो आपको बता दें कि कर्मचारियों का जो शिष्टमंडल है यहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पहले ही वो अपनी मांगों को लेकर बातें रख चुका है, लेकिन आज मुलाकात होनी है। 3 बजे का समय निर्धारित किया गया है और इस मुलाकात से कई उम्मीदें जताई जा रही हैं कि शायद सुभाष लामा जी हमारे साथ जुड़े हैं, सर्व कर्मचारी संघ के महासचिव हैं। लामा जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। हाँ जी, धन्यवाद मैडम जी। लामा जी, 3 बजे का समय है मुलाकात का, तो क्या लग रहा है इस मुलाकात में जो ये पॉलिसी है इसको लेकर कुछ बदलाव या फेवर में कोई फैसला? निश्चित तौर से जो माननीय हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उससे जो पॉलिसी रद्द हुई है जी, आज हम सरकार के दरबार में जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि अभी हम कदम उठाएंगे, तो आज हम ये जानना चाहेंगे कि वो ऐसे कौन से कदम उठाने जा रहे हैं सरकार जी, जिससे इन कर्मचारियों की ही नौकरी ना बचे, बाकी जो कर्मचारी हैं उनकी सेवाएं भी रेगुलर हों। क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये इम्प्लीमेंट होता डिसीजन जो कहते हो, ना केवल ये जो 4,654 कर्मचारी हैं जो इन नीतियों के तहत रेगुलर हुए थे वो कच्चे होंगे, बल्कि बाकी जो और विभागों में भी कच्चे कर्मचारी हैं उनकी सेवाएं भी समाप्त करने का आदेश जी इस डिसीजन में है जी। तो ये लाखों कर्मचारियों का मामला, उनके परिवारों का मामला है, कोई छोटा मामला नहीं है, बड़ा मामला है। तो सरकार को विधायी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इसके डिसीजन पे रोक लगवाने की बात करनी चाहिए। हाँ। और दूसरी जो है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है कर्नाटका बनाम उमादेवी केस 10 अप्रैल 2006 का जी, पार्लियामेंट में बिल आए उसको निष्प्रभावी बनाए, तो मतलब पूरे देश के अनियमित कर्मचारियों की सेवाएं नियमित होने का एक रास्ता खुलता है जी। क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मामला है, तो इसलिए सरकार से हम अनुरोध करेंगे जी। तो केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है और राज्य में भी है, और बहुमत की सरकार वहाँ भी, बहुमत की सरकार यहाँ भी, तो ये यहाँ विधानसभा में इस बिल को पारित करके केंद्र सरकार को भेजा जाए और वहाँ ये बिल को पास किया जाए। तो ऐसी मांग हम निश्चित तौर से करेंगे और फौरी राहत की बात हम करें। सुभाष जी, क्या इससे पहले भी बातचीत हो पाई है आपकी? नहीं, इससे पहले हमारी कोई बातचीत नहीं हो पाई है। हम 7 तारीख को करनाल में गए थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम जो है अचानक बदलाव होने की वजह से बातचीत नहीं हो पाई, तो इसलिए आज का समय हमारे को निर्धारित किया है जी। तो हम निश्चित तौर से जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री से गुहार लगाएंगे कि लाखों कर्मचारियों का मामला है और सरकार ने जो घोषणा पत्र में भी कहा था हम कच्चे कर्मचारियों पक्का करेंगे। हाँ। तो सरकार इस पर आवश्यक कदम उठाए, विधायी शक्ति का इस्तेमाल करें, जो भी करें सरकार को करना है, जो भी करना है सरकार के पाले में गेंद है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुभाष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो 2014 की अधिसूचित नियमितीकरण की नीतियां हैं उसको रद्द किए जाने के खिलाफ ये जो कर्मचारी संघ है वो अब सरकार की खिलाफत में उतर आए हैं और सरकार से लगातार यही मांग कि इसको लेकर कोई फैसला करे, जो नीतियां हैं अगर ये इनमें बदलाव होता है तो प्रदेश के लाखों कर्मचारी एक तरीके से अपनी जितनी भी सर्विस है उससे हाथ धो बैठेंगे, पर कर्मचारी प्रभावित होंगे, परिवार प्रभावित होंगे। तो इसी को लेकर आज बैठक होगी, 3 बजे का समय निर्धारित किया गया है।